रेसिपी लेंटिल्स विद स्पिनच। अब देखिए लेंटिल आपने हमेशा सुना होगा, अब लेंटिल जो है लोग सारी दालों को लेंटिल गिन देते हैं, लेकिन मैं आपको मिलवा देता हूँ असली लेंटिल से। जी हाँ, ये जो है ये एक्चुअली लेंटिल इसको कहा जाता है। ये जो दाल जिस तरह से जो मसूर वाली है ये एक्चुअली लेंटिल होती है। तो कई बार आप हिंदुस्तान के बाहर जब जाते हैं तो लेंटिल सूप काफ़ी दिखता है, वो इसी से बनता है। तो मैंने कई बार देखा है कि बाहर के देशों में गए, लेंटिल सूप की बात हुई तो उसमें ऐसा सूप आ गया जो दिखने में पीला नहीं दिख रहा था। वो दाल हम यहाँ पर हल्दी वल्दी डाल के एकदम पीली बना देते हैं, लेकिन लेंटिल्स जो हैं वो इसी को कहा जाता है। तो इसी से ये डिश हम बनाएंगे। तो इसको पानी में भिगो के, ये देखिए होल मसूर है ये लेंटिल्स, और इसको फिर हमने नमक डालकर कुक कर लिया है, पानी डालकर ये देखिए अच्छी तरह से इसे पका लिया। और अब इसमें क्या करना है, ये तैयार। अब एक काम करना है, मुझे इसी के अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके हम डालेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वो है प्याज, अब ये प्याज इसमें डालेंगे, लहसुन इसके अंदर डालना है मुझे, और उसके साथ साथ अदरक, ये रहा अदरक, और इसमें मुझे डालनी है कुछ पत्तियाँ, तो ये कुछ पुदीने की पत्तियाँ ये लीजिए। और ये सब बन रही हैं इस लेंटिल्स के लिए जिसे हम पकाएंगे स्पिनच के साथ में। और उसके साथ साथ कुछ पार्सले ये लीजिए, पार्सले का जो टेस्ट है बड़ा बढ़िया टेस्ट होता है, और थोड़ा थोड़ा सौंफ जैसा टेस्ट इसका होता है। और उसके साथ साथ कोरिएंडर ये लीजिए। सो प्याज, अदरक, लहसुन, कुछ पुदीने के पत्ते, ये सारी चीज़ें लेकर इसे हमने पीसना है। तो ये सब चीज़ों को पीस लेते हैं हम, ये लीजिए ये मेरे पास पीसने की तैयारी, प्याज, अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें। और इसके साथ इसमें थोड़ा पानी, पानी डाल के इसकी वेट ग्राइंडिंग करनी है। जी हाँ, इसको पीस लेते हैं हम। और ये चेक कर लेता हूँ मैं, परफेक्ट, ये सारी चीज़ें पीस ली हमने। तो ये इसके अंदर मिक्स कर लिया, लेकिन इसमें ये मेन चीज़ नहीं है, इसकी मेन चीज़ है पालक। तो पालक तो डालेंगे ही, नमक इसमें हमने डाला हुआ है क्योंकि जब इसे पकाया था लेंटिल्स को तो नमक इसमें था। उसके साथ साथ पेपर, ब्लैक पेपर, ये हो गया, अच्छी तरह से मिक्स किया, ये थोड़ी देर पकाते हैं। और ये मेरे पास पालक के पत्ते, और ये जो पालक के पत्ते हैं ये लेकर ये मुझे श्रेड करने थोड़े इस तरह से, ये लीजिए। और उसके बाद ये बस रफली चॉप करना है मुझे इसे, और इसको हम डाल देंगे ये लेंटिल्स के अंदर, ये लीजिए। ये आ गया, और इसमें नींबू, और नींबू के साथ साथ ये जो नींबू का छिलका है थोड़ा ये भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये नींबू का छिलका, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और नींबू का रस ये लीजिए, ये नींबू का रस। अब देखिए है तो ये एक तरह से दाल ही, लेकिन दाल में अलग अलग टेस्ट, अलग अलग चीज़ें, और ऐसी जो मसूर है वो आपने पहले नहीं खाई होगी, आप एक बार खा के देखेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा इस तरह से भी उसे बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग राजमा वगैरह बहुत बनाते हैं, लोबिया बनाते हैं, चने बनाते हैं, लेकिन
इसको भी इस तरह से बना के देखें। हाँ, नींबू डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग इसको पानी की जगह चिकन स्टॉक में पकाते हैं, तो अगर आप चिकन स्टॉक में पकाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। नमक चेक कर लेता हूँ, नमक थोड़ा सा कम है। वैसे आजकल लोग जो है नमक थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, तो सोडियम कम रखना चाहते हैं, तो नमक इसके अंदर कम डालें। तो ये हो गया, और अब इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको आप इसी तरह से गर्मा गर्म परोसें और इसको सर्व करें स्टीम्ड राइस के साथ या ब्रेड के साथ में। ये देखिए, ये हमारी स्पिनच वाली लेंटिल्स। अब घर में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बना के देखें, बढ़िया हैं, अलग हैं, पसंद आएगी। दिखने में काली दाल लग रही है, अब सोच रहा हूँ कि काली दाल में क्यों नहीं हम डाल सकते पालक इस तरह से। लेंटिल्स विद स्पिनच बनाने के लिए सबसे पहले मसूर को नमक और काफी सारे पानी के साथ नरम होने तक एक नॉनस्टिक पैन में पका लें। प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना, पार्सले, हरा धनिया थोड़े से पानी के साथ पीस कर पेस्ट बना लें। मसूर में ये पेस्ट डाल दें और फिर डालें काली मिर्च पाउडर और अच्छी तरह मिला लें। पालक को मोटा मोटा काट कर मसूर में डाल दें। नींबू का एक छिलका डालें और नींबू का रस निचोड़ कर डालें और मिलाएं। 2 मिनट के लिए और पका लें। गर्मा गर्म लेंटिल्स विद स्पिनच परोसें।